हे गाइज नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो रात की अभी बज रही है 10:30। 10:30 बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत, काफ़ी ज़्यादा लेट आज व्लॉग की शुरुआत करी है क्योंकि मॉर्निंग की जो रूटीन थी वो मैंने आपके साथ में कल शेयर कर दी थी और उसके बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और कल का व्लॉग यदि आपने देखा होगा तो कल परी की तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, और सर्दी जुकाम वही हो रहा था और उसके बाद तो उसको फीवर भी आ गया था और स्कूल भी नहीं गई थी। तो जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर हम कोई भी काम जो वो अच्छे से कर नहीं पाते, मतलब हमारी जो रूटीन होती है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी चक्कर में फिर कुछ भी मैं आगे शूट नहीं कर पाई। और ये कुछ सब्जियां हैं जो कि भी जैन साहब शॉप से आए थे तो वो लेकर आए थे। एक्चुअली मैंने ही उनको कॉल करके बोला था शाम को, मतलब मेरा काम जो है वो आपको पता ही है कि बहुत जल्दी हो जाता है और उसके बाद में मैं वॉक के लिए जरूर जाती हूँ, लेकिन आजकल बारिश जो है ना वो लगातार हो रही है। शाम को भी 7 बजे के करीब मेरे घर के सारे काम हो गए थे, मतलब किचन का जो काम रहता है ना, खाना पीना, मतलब सब कुछ हो गया था। और उसके बाद मैं रेडी होकर बैठी थी कि कुछ देर भी अगर बारिश बंद होगी ना तो मैं नीचे जाके आऊँगी और सब्जी वगैरह भी लेके आ जाऊँगी, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। लेकिन बारिश जो थी ना वो बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर वेट करते करते 9:30 मतलब बज गई। तो उसके बाद अब मैंने सोचा कि अब तो मुझे इनको कॉल करके बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज है ना फिर सब्जी अगर फ्रीज में होती है ना तो दिक्कत नहीं होती, बच्चों का अगर टिफिन बनाना हो, लंच डिनर कुछ भी बनाना हो ना तो। लेकिन अभी फ्रीज जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था, जो बची खुची सब्जियां थी ना वो भी मतलब मैंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी थी। तो इनको मैंने फ़ोन करके खैर ऐसा बोला कुछ नहीं था कि क्या सब्ज़ी लेकर आनी है, बस ये बोला था कि मिर्ची पड़ी हुई है वो मत लेके आना और धनिया मत लेके आना, क्योंकि धनिया ऐसा है ना कि मैं देख के ही लेके आती हूँ, क्योंकि धनिया भी है ना 2-3 तरह का आता है। एक तो फूल वाला धनिया होता है जो कि हम लोग खाते ही नहीं है, और जो अच्छा पत्ती वाला धनिया होता है ना वो ही मैं लेकर आती हूँ। लेकिन अब ये है कि इनको अगर पता नहीं चला और फिर कुछ भी लेकर आए, और आजकल सब्जियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी है ना हमारे यहाँ मुंबई में, तो सब्जियाँ मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं ना, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, धनिया हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आपके यहाँ पर भी सब्जियाँ जो है वो महंगी हुई है या फिर सिर्फ हमारे यहाँ पर ही है? आप लोग मुझे कमेंट करके थोड़ा सा मतलब बता देना तो मुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह वॉश करके मैंने रख दी है और यहाँ पर मैं अपने लिए मेथी दाना जो मॉर्निंग में पानी पीती हूँ ना वो मैं भिगो रही हूँ। तो मुझे किसने पूछा था कि श्रद्धा किस तरीके से आप मेथी का जो पानी है ना वो पीते हो, तो यहाँ पर करीबन मैंने 2 छोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया, उसको मैंने 3 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया था और उसके बाद मैं इसको एक बड़े से बर्तन में डाला है और करीबन उसमें मैंने लोटा भर के पानी डाल दिया है, मतलब ग्लास से अगर कहेंगे तो करीबन 1.5-2 गिलास पानी। और उसके बाद में मैंने उसको गर्म करने रख दिया था, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बॉईल वॉइल नहीं करना है, एक सिंपल एक जो बॉईल आता है ना वो होने के बाद में फिर मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है। ओवरनाइट इसको ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद में मॉर्निंग में मैं किस तरीके से पीऊँगी, मतलब कैसे इसको कंज्यूम करती हूँ वो मैं आपके साथ में मॉर्निंग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखो मेरा पूरा किचन जो है वो रात को कुछ इसी तरीके का सीन रहता है, पूरा किचन मैंने साफ किया हुआ है, पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन है, सब्जियाँ मैंने वॉश करके रख दी है वो सूख जाएगी, और सिंक बिल्कुल खाली है, सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, छोटा वाला डस्टबिन जो है वो भी मैंने बड़े डस्टबिन में शिफ्ट कर दिया है, बच्चों का टिफिन जो है वो मैंने काउंटर टॉप पे ही रख दिया है। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है वो मॉर्निंग के काम के लिए अच्छे से सेट हो गया है। और घड़ी के अंदर बताऊँ तभी बज रही है 12:45, 10 मिनट आगे है ये घड़ी, तो 12:45 का टाइम हो रहा है। परी विहान दोनों को मैंने सोने के लिए बोल दिया था, मतलब 10:30-11 बजे वो अपने रूम में चले गए थे और अभी मैंने जाके देखा तो दोनों को नींद भी आ गई है। एक्चुअली परी की तबीयत तो खैर सुबह से ठीक थी नहीं, तो उसको मैंने सिरप दिए तो सिरप से खैर नींद आती है। और विहान भी मतलब अभी शाम को मुझे बोल रहा था कि मम्मी थोड़ा सा मुझे ना नाक में जैसे पानी वानी निकलता है ना तो वैसा, तो मुझे लग रहा था कि एक्चुअली एक बच्चा अगर घर में बीमार होता है ना तो फिर लाइन लगती है सबकी, तो इसलिए मैंने उसको भी अभी दवाई दे दी है। तो दोनों से चले गए सोने के लिए, जैन साहब भी रूम में चले गए हैं और मैं यहाँ पर रात को 12 बजे भूतों की जैसे घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ। एक्चुअली सोने तो मैं भी चली गई थी, फिर एकदम से मुझे याद आया कि मैंने दिन को ये कपड़े सूखने के लिए डाले थे, तो हाथ लगाया तो कपड़े जैसे मैंने दिन को डाले थे ना वैसे के वैसे ही थे, मतलब बारिश जो है ना वो लगातार होती है ना तो फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इन कपड़ों को फिर मैं अंदर लेकर आई हूँ और यहाँ पर इस स्टैंड पे डाल दूंगी कपड़ों को। और ये स्टैंड जो है इसके बारे में भी आप लोग पूछते हैं कि श्रद्धा ये कहाँ से आपने मंगाया है, लिंक दे दो। तो मैंने कई बार पहले भी बताया है कि ये जो स्टैंड है ये मैंने लोकल शॉप से ही लिया है, तो लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अच्छा खासा बड़ा है, अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है, मतलब बहुत ही अच्छा है ये, और शायद 2.5 या 3 हज़ार का ऐसा कुछ मुझे पड़ा था, क्योंकि मैं नहीं लेके आई थी, यही लेकर आए थे और इनके फ्रेंड की शॉप से लेकर आए थे तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है।
तो कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिए हैं, फैन ऑन कर दिया है, तो पूरी रात ऐसे ही पंखा चलेगा तो कपड़े सूख जाएंगे। और बस अब सब तरफ की मैंने जो विंडो है वो बंद कर दी है, गेट वगैरह लॉक लगा दिए हैं, लाइट्स बंद कर दिए, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह के भी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, 5:15 बजे के करीब मैं उड़ गई थी। एक्चुअली अलार्म जो है वो अभी मैं 2-3 लगाती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो नींद बिल्कुल खुलती नहीं है और इतनी अच्छी नींद आती है ना सुबह के टाइम पर। तो 5:30 बजे के करीब मैं उड़ गई थी, और उठने के बाद में मैंने हाथ मतलब मुंह वगैरह धोया था, ब्रश कर लिया था, और पूरे घर के अंदर एक बार का झाड़ू निकाल दिया था, बस इतना ही काम किया है। और अभी सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने रात को मेथी दाने भिगोए थे, तो उसको मैं किस तरीके से पीती हूँ पहले मैं आपके साथ में वो शेयर कर देती हूँ, उसके बाद में मैं बच्चों को उठाने के लिए जाऊँगी। तो पानी फिर मैंने रात को ही गर्म कर दिया था, लेकिन पूरी रात में वो ठंडा हो जाता है, तो उसको मैंने फिर से थोड़ा गुनगुना किया है, गुनगुना मतलब गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें से भी थोड़ा धुआं भी निकल रहा होगा, आपने देखा होगा। अब उसके बाद में बस मैं इस पानी को ऐसे ही पी लेती हूँ, और यदि आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप इसके अंदर चिया सीड जो है ना वो भी डाल के पी सकते हैं। चिया सीड जो होता है वो एक तो हमारी भूख को कम करता है, और दूसरा हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना उसको बढ़ा देता है। तो अगर किसी को अपनी मतलब वेट कम करना है तो वेट कम करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मेथी दाने का पानी आप रेगुलर बेसिस पे पियो, 1-2 महीना, और चिया सीड्स डाल के पियोगे तो उससे आपकी भूख जो है वो कम हो जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये होम रेमेडी है वेट लॉस के लिए। अब जो पानी मैंने रखा था वो तो खैर मैं पी लूँगी, और बाकी बचा हुआ इसको मुझे फेंकना नहीं है। इसके अंदर मैंने फिर से लोटा भर के पानी जो है वो डाल दिया है, और अब जो 1-2 घंटा मैं किचन में भी काम करूँगी ना, लंच की तैयारी वगैरह, बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी ये सब, तो तब तक जब भी मुझे प्यास लगेगी या नहीं भी लगेगी ना, तो इसी पानी को मैं छान के पीती रहूँगी। और उसके बाद में जो मेथी दाने बचेंगे तो उसको आप फेंक सकते हैं, क्योंकि उसका जितना भी फ्लेवर और जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स निकलने थे वो सारे ही पानी के अंदर निकल गए थे। अब यहाँ पर बच्चे जो थे वो भी उड़ गए थे, परी की तबीयत जो थी वो क्या ठीक तो हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा है कि 2-3 दिन तो थोड़ा बहुत जुकाम का असर रहता ही है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए गर्म पानी किया है, दोनों को गार्गल्स करने के लिए बोला है, क्योंकि परी के तो हल्का हल्का सा गले में खराश है, और विहान भी वही है कि रात को थोड़ी बहुत मुझे कंप्लेन कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी केयर कर लेते हैं तो बीमार नहीं होगा। तो इस टाइम पर घड़ी के अंदर 6:10 का टाइम हो रहा था, दोनों बच्चे चले गए हैं नहाने के लिए, सॉरी विहान गया नहाने के लिए, परी को मैंने नहाने के लिए मना बोला है, क्योंकि अभी तबीयत जो है उसकी ठीक नहीं है ना, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो मैंने कहा एक काम कर आज मत ना, खाली गर्म पानी मैंने रखा है तो तू हाथ मुँह अच्छे से धो के और कपड़े चेंज कर ले, और बालों के अंदर गुच्छे वगैरह निकाल दे, ताकि पोनी का काम मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से बच्चों के लंच बॉक्स जो है उसकी तैयारी मतलब क्या फटाफट से बना ही देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर परी की पसंद का ही आज बनने वाला है। एक्चुअली कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल उसने बिल्कुल भी खाना जो था वो अच्छे से नहीं खाया था। कल का व्लॉग यदि आपने देखा होगा तो मॉर्निंग में मैंने उसके लिए बनाई थी मकई की राब, जो उसने बड़ी मुश्किल से मतलब एक कटोरी पी थी, उसके बाद में दिन को थोड़ा सा उसको डांट डपट के मैंने एक रोटी खिलाई थी, और शाम को तो उसने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि मम्मी कुछ नहीं खाना है, लेकिन वो ये थोड़ा सा उसको मतलब डांटना ही पड़ता है बच्चों को, तभी बच्चे मानते हैं। तो फिर हम कोई भी मम्मी नहीं चाहती कि बच्चों को डांटे, लेकिन जब बच्चे इतना मजबूर कर देते हैं ना तो फिर उनको डांटना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा डांटा समझाया, और फिर उसको बोला कि बेटा जब तक कुछ खाएगी नहीं ना तो दवाई भी असर नहीं करेगी, कितनी भी दवाई ले ले। तो शाम को फिर मैंने उसके लिए ना फीका वाला दलिया होता है ना मूँग की दाल डाल के बनाते, वो मैंने बनाया था, तो उसने थोड़ा बहुत खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा उसकी पसंद का खाना बना दूंगी, तो वो अच्छे से भर पेट अभी भी खा लेगी और टिफिन में भी खाना फिनिश करके आएगी। तो उसको ये मुरमुरे के जो पोहे है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब उसको ये पूरे दिन में अगर मैं 2-3 बार भी खिलाऊँ ना तो वो मना नहीं करेगी, उसको इतने ज़्यादा पसंद है।
तो यहाँ पर बस मुरमुरे के पोहे जो है वो मैंने छलनी से छान दिए थे, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े तो खैर नहीं निकलते, लेकिन ये कि मन की तसल्ली के लिए मैं हर चीज़ छान के फिर यूज़ में लेती हूँ। उसके बाद में उसको पानी उसके ऊपर अच्छे से मैंने डाल दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और तड़के के अंदर इसके अंदर मैंने एक तो टमाटर को चॉप किया था, और मेरे पास में कॉर्न थे, मैंने कॉर्न भी ले लिए थे, और पीनट्स डाले ढेर सारे, और करी पत्ता और हरी मिर्ची, इसका मैंने तड़का लगाया है। रूटीन के जो मसाले होते हैं वो डालूंगी, गरम मसाला आज मैं नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी पूरी का मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास में चाट मसाला नहीं है। अगर आपके पास में चाट मसाला हो तो थोड़ा सा वो भी डाल दो। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में ये जो पोहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़ी सी मैं शुगर भी ऐड करती हूँ और अमचूर का पाउडर भी डालती हूँ, तो और हेल्दी भी होता है खाने में, मतलब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने डाली है। और भी अगर कोई वेजिटेबल बच्चे आपके खाते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा ना पनीर के छोटे छोटे से क्यूब को छोटे छोटे से पीस करके वो भी डाल सकते हैं, मतलब जितना आप हेल्दी इसको बना सकते हैं, आपके बच्चे जैसे खाते हैं आप इसके अंदर वेरिएशन लेके आ सकते हैं। और आजकल मैं अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है ना, ये 5:30 AM वाली ना, वो आजकल रोज शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में ना कमेंट आते रहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि इस रूटीन से बोर हो जाते होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ मतलब सेम ही होती है रूटीन तो, लेकिन कुछ लोगों को मेरी जो ये रूटीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे कॉमेंट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स होते हैं ना, तो उनको पढ़ के मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है मुझे कि आपके जो व्लॉग्स हैं ना वो हमको बहुत पसंद आते हैं। श्रद्धा मतलब देखते ही रहो, ख़त्म ही ना हो, इस तरीके के जब कमेंट्स आते हैं ना तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं बैठी भी होती हूँ, मूड भी अगर मेरा सही नहीं है, तो इस तरीके के कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे व्लॉग्स यदि आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं ना लाइक नहीं करते हैं, और जितने लोग देखते हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब, बहुत कम लोग हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे व्लॉग आप देखते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। मेरी यूट्यूब की फैमिली में चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी रुक गई है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बढ़ने चाहिए जिस तरीके से ना वैसे नहीं बढ़ रहे हैं। बस आप मेरी जो मेरी फीलिंग्स है उसको आप समझ जाइए, और बिना अगर सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर बस पोहे बन गए थे, मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है, और फ्रूट ब्रेक के लिए आज मैंने मैंगो जो है भरा है। बस यहाँ पर बच्चे रेडी होके चले गए थे स्कूल, और अब मैं आपसे सीधे काफ़ी ज़्यादा लेट मिल रही हूँ। बीच में मैंने घर के सारे काम निपटा दिए थे, नहा धो के निकल गई थी, और आज मैंने पहनी है अपनी नई वाली कुर्ती। जब से आई है तब से सोच रही थी कि पहनूँ पहनूँ पहनूँ, लेकिन आज इसका मुहूर्त फाइनली निकल गया है। और आज मुझे एक्चुअली कुछ शूट भी करना था, आगे मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगी, तो शूट भी करना था। थोड़ा सा अभी मैं रेडी होंगी, थोड़ा सा मेकअप करूंगी, इयररिंग वगैरह अच्छे से पहनूंगी। कुर्ती काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी है। इतनी प्यारी लग रही है ना कुर्ती, सही में बहुत ही क्लासी इसका लुक है, और सबसे बड़ी बात है ना पहनने के बाद में कंफर्टेबल बहुत है। इतनी अभी गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी के टाइम पे मतलब ऐसी इस तरह की ना लॉन्ग स्लीव्स और इस तरह की कुर्तियां पहनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये पहनने के बाद में इतनी कंफर्टेबल मतलब अच्छी फीलिंग आ रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो किसी को भी ये कुर्ती अगर परचेस करनी है, पसंद आई है, तो मुझे बताना, तो मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कि मैं यहाँ पर सज धज के बैठी क्यों हूँ। तो कल का यदि आपने व्लॉग पूरा देखा होगा तो कल मैंने कल मैं काम कर रही थी, और मुझे है ना एक बड़ा सा पार्सल जो है वो रिसीव हुआ, और उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। कल ही मुझे शेयर करना था, लेकिन कल बारिश होती है ना, वो कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से मैंने शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो बारिश यहाँ पर जो मुंबई की बारिश है पता ही है कितनी मतलब ज्यादा ही होती है, और उस बारिश की आवाज़ इतनी तेज आती है ना कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूंगी आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अभी कुछ देर पहले ही बारिश बंद हुई है, तो मैंने सोचा फटाफट से शूट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, क्योंकि ना यार हम लेडीज लोग की ये प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, तो जैसे ही वो चीज मिलती है ना, तो सबसे पहले यही होता है क्यूरियोसिटी की फटाफट से खोल के देखिए कि इसके अंदर क्या आया है और कैसा आया है। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो मुझे रिसीव हुआ है जुक जुक ब्रांड से,
ये वाला हैंड बैग जो ये देखो कुछ इस तरीके की शेप का है। और मुझे ना जुक ब्रांड के जो बैग होते हैं ना वो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो एक स्लिंग बैग में लेके जाती हूँ जब भी, चाहे सब्जी लेने जाऊं या मैं घूमने जाती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ, तो वो स्लिंग बैग जो है वो मेरे पास में होता ही होता है। और वो लास्ट ईयर मैंने मंगाया था जुक से, और उसके पहले भी एक बड़ा मेरे पास में बिल्कुल बिग साइज का जो आता है ना वो बैग भी मुझे मैंने मंगाया था। वो मंगाया था मैंने साल डेढ़ साल पहले, तो वो तो काफी ज्यादा बड़ा था, तो वो मैंने अपने सिस्टर को गिफ्ट दे दिया था गिरजा को, क्योंकि उसके ट्विंस बच्चे थे, तो मैंने सोचा कि वो मेरे से ज्यादा उसके काम आएगा। और ये वाला बैग तो मैं किसी को नहीं दूंगी, ये बैग तो मैं अपने लिए रखने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर की जो ये हैंडक्राफ्ट प्रिंट है ना, ये सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। ये वाला स्लिंग बैग तो आपने पहचान ही लिया होगा कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पास में ये वाला बैग रहता है। ये मैंने लास्ट ईयर मंगाया था, और ये मतलब मुझे पता है इन बैग की सबसे जो अच्छी चीज क्या लगती है वो होती है इसका ये ऊपर का जो हैंड प्रिंट रहती है ना ये, और दूसरी चीज ये कि इनकी क्वालिटी जो होती है ना वो एकदम सुपर्ब होती है। मतलब जब से मैंने इसका यूज किया ना, कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इसकी जो जिप है उसमें कुछ खराब हो गया हो, या फिर इसका जो कपड़ा रहता है ये जो रहता है ना ये लेदर नहीं होता है, ये है टॉट बैग बोलते हैं इनको एक्चुअली, जूट टाइप का जो रहता है ना फैब्रिक ये उनका बना हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है जिसको हम हमेशा प्रमोट करना ही चाहिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि इंडिया के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनका ज्यादा से ज्यादा यूज हमें करना चाहिए। और दूसरी चीज कि ये क्रुअल्टी फ्री है, क्रुअल्टी फ्री मतलब जब इनको बनाया जाता है, मतलब जहां पर भी ये बनते हैं वहां पर किसी भी एनिमल्स होता है ना उनको हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। और मैं तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो बिल्कुल इनके फेवर में हूँ। ये वाला जो फैब्रिक है ना ये टॉट फैब्रिक है, जूट का बना हुआ है, और बाकी ये जो पार्ट है ये है लेदर, और ये लेदर जो होता है ना वो खराब नहीं होता है। देखो ये बैग तो मुझे खैर अभी मिला है, लेकिन इस वाले बैग की बात करें ना तो ये देखिए मैंने इसको इतना रफली यूज किया, इतना रफली, चाहे बस इसको मैं बस में भी लेके गई हूँ, ट्रेन में भी लेके गई हूँ, और कार में जाती हूँ तब भी लेके जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ तब भी लेके जाती हूँ। आप देखिए कहीं पर भी एक से डेढ़ साल हो गया, कहीं पर कोई स्क्रेच नहीं है, कहीं कुछ खराब नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर इनके अंदर स्पेस की बात करें तो इतने ज्यादा ये स्पेशियस होते हैं, ये देखो इतना सारा, मतलब इतना सारा इसके अंदर ये न्यूज़पेपर जो है ना वो दबा दबा के डाल रखा ही है, तो अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर होता है। और जिप की बात करें तो ये देखिए बाहर की तरफ एक बड़ी सी जिप जो होती है जहां पर आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं या फिर अपना मोबाइल जो है वो रख सकते हैं। अंदर की तरफ ये देखो एक और ये वाली जिप होती है, और बाकी ये बड़ी वाली जो जिप है वो है ही है। तो इसके अंदर ये देखिए आप पानी की बोतल मैंने रख दी है, और इसके अलावा अपना जो छोटा सा पाउच होता है वो इसके अंदर रख सकते हैं, मेकअप का किट है वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। ये सब रखने के बाद में भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना सारा स्पेस है। ये मेरा स्पेक, ये मैंने रख दिया अपना कॉम्ब, और मैंने रख दिया यहाँ पर अपना स्कार्फ, और उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्पेस जो है वो इसके अंदर है। यदि आपको भी इस तरीके के टॉट बैग पसंद है तो इसकी आप वेबसाइट पर जाके आप देखिए, तो ढेर सारे आपको वहां पर हर रेंज के और हर क्वालिटी के और हर बहुत सारी आपको वहां पर वेराइटीज जो है वो दिख जाएगी। तो उसके अलावा बैग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हो। और YTJSHR10 जो कूपन कोड आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि आप उसका यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा।